अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बख़ैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और निक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये देखें, ये बिल्ली के पीछे पड़ गई हूँ। ये है जी सुबह का व्यू, क्या ज़बरदस्त व्यू है। आज हमारा पहला दिन है, इसीलिए सबसे पहले हम उठे हुए हैं। ऐसे अपार्टमेंट होने चाहिए ग्लासगो में भी। बिल्कुल भी सर्दी नहीं है ज़रा भी, के हमने जंपर या जर्सियाँ नहीं पहनी हुई, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे हमने एहतियातन साथ रख ली हैं, क्योंकि आज हम जीप सफारी टूर के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन इस वक्त जो मौसम है ना, वो गर्मियों वाला है। बिल्ली बिल्ली लगाई है यहाँ पर, इतनी ज्यादा बिल्लियाँ हैं और इसने बिल्ली बिल्ली लगाई हुई है। वो एक और बिल्ली नजर आ गई। ये फेक नेल भी हम साथ लेकर आए थे, ये टीमू से मंगवाए थे। ये इसके साथ डबल साइडेड स्टिकी टेप थी, तो ये यहाँ बैठकर मैंने इसको लगाए हैं। बड़े ही ज़बरदस्त हैं, बहुत इजीली ये अप्लाई हो जाते हैं। अभी फाइनली एक घंटे के डिले के बाद जो है जीप सफारी आ गई है और इसमें हम बैठ रहे हैं। एक हम थे, एक और कोई फैमिली थी साथ। Look at the beautiful ship over there. Look, that's my ship. ये पीछे ship है और पानी का कलर देखें, जैसा आसमान का कलर है सेम वही पानी का कलर है। हम गए तो साइप्रस हैं, लेकिन साइप्रस के शहर पाफोस में गए हैं और ये यहाँ पर कोरल बे बीच साइड है जहाँ पर हमें ये लेकर गया। कोई रास्ता होना चाहिए था नीचे जाने का, नहीं है ना? कितना खूबसूरत वाटर है, क्या कलर है पानी का देखिए, कितना खूबसूरत कलर है पानी का। पत्थर नज़र आ रहे हैं नीचे से, यानी कि पानी का रंग इतना साफ है, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है नीचे जाने का, सिवाय इसके एक छलांग लगा दी जाए। नो, ये शिप भी हमने ना गूगल में देखा था। उसी भी रज के डरपोक, रज के। अच्छा, मैंने वॉइस ओवर करने की बजाय ओरिजिनल जो है वॉइस रखी, क्योंकि वो ज़्यादा नेचुरल थी, क्योंकि उसमें पानी की आवाज़ थी। और जो शिप था वो क्यों यहाँ पर है, ये 11 साल पहले शिप यहाँ पर ख़राब हो गया और फिर इसको यहीं पर रख दिया गया और अब ये यहाँ बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन पॉइंट बन चुका हुआ है। वो देखे, वहाँ पहाड़ी से ये जीप यहाँ पर आई है। इतने ऊंचे नीचे रास्ते हैं कि खुद जाना नामुमकिन था और ये सारे पहाड़ देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान में जब कॉलेज जाते थे ना, तो ट्रिप जाया करते थे कभी मंगला डैम, तरबेला डैम, तो रास्ते में ये पहाड़ियाँ नज़र आती थी, तो सारा कुछ वही मंज़र नज़र आ रहा था। विलेज है पहाड़ों के ऊपर, विलेज है। आ जाए इधर, क्यों बारिश हो रही। और ये अब एक माउंटेन विलेज था, यहाँ पर हमें लेकर गया।
एक तो हमारी जीप थी और भी बहुत सारे लोग जीप सवारी टूर पर निकले हुए थे। जहाँ हम जाते वहाँ पर ही सारी जीप जो है पीछे पीछे आ रही होती, या कोई पहले वहाँ होता हम भी वहाँ पहुँच जाते। तो कुछ 7-8 जीप थी जो उस दिन इस तरह से टूर कर रही थी। तो जहाँ भी ये अट्रैक्शन पॉइंट थे, जहाँ एक जीप जाती थोड़ी देर बाद सारे लोग वहीं दोबारा पर इकट्ठे हो जाते। और यहाँ पर ये झूला नज़र आ गया और ईमान कहे अब मैंने झूले पे झूलना ही झूलना है। और फजर कह रही है मैं बैठ तो गई हूँ, अब मुझे कोई झूला झूला दे, मैं कैसे पीछे रहती। यहाँ जब आए हैं तो थोड़ी सी ठंडक थी ना मौसम में, क्योंकि ये पहाड़ी पर था और थोड़ा ऐसा है कि ज़्यादा धूप यहाँ पर नहीं थी, तो थोड़ी सी ठंडक थी यहाँ पर। और आपने देख लिया यहाँ पर भी बिल्लियाँ जो है वो नज़र आ गई। एक तो हमारी दुआ थी जो बिल्लियों के पीछे थी, ये भी कोई और फैमिली है और उनकी बच्ची भी जो है वो बिल्लियों के पीछे पीछे भाग रही है, और दोनों जो है बिल्लियों के पीछे भाग रही है। मैंने कहा देखो कौन बिल्ली को प्याले पकड़ती है। इस जगह की भी हिस्ट्री है, वो बता भी रहा था लेकिन हमें इतना इंटरेस्ट नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो ये कॉफ़ी जो है बहुत ही अच्छी लगी, रेत पर इसने बनाई तो बड़ी ही मज़े की कॉफ़ी थी। मैंने कहा इतना छोटा सा कप, और ये वाकई इतना छोटा सा कप ही काफ़ी ही था, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी थी ये वाली। Arabic coffee, Greek coffee, Turkish coffee. It's the same. Only coffee, Brazil got it. It's British blend. That is a nice thing. That's I nice saw one. First time. This one. Very nice. Thank you. जहाँ भी जाते तो ये कोच जो है बताता था कि यहाँ पर 20 मिनट का स्टे है, या हाफ़ एन आवर का, या 45 मिनट का। तो उतनी देर काफ़ी होती थी कि आपने इतना फिर लिया है तो अब नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जो है वो चले। ये अंगूरों के दरख्त हैं जो अभी ग्रो होंगे, अंगूर उगेंगे यहाँ पर, लेकिन दूर से देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लौंग पड़े हों ज़मीन के ऊपर ना। दुआ जो है ये झाड़ियां नहीं है, ये अंगूरों के दरख्त। सबसे मुश्किल रास्ता जो था वो यहाँ ब्लू लगून तक पहुँचने का था। जब हम आए थे तो जो ड्राइवर हमें एयरपोर्ट से लेकर गया था होटल तक, उसने भी बताया था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सा रास्ता है, नॉर्मली लोग यहाँ नहीं जाते। तो ये जीप सफारी हमने बुक की हुई थी तो वो हमें लेकर गया, और बहुत सी गाड़ियाँ लोग पीछे ही खड़ी करके पैदल आए थे, लेकिन इसने हमें इसके सर के ऊपर ला के जो है ना खड़ा किया कि यहाँ से अब आप नीचे उतर सकते हैं। वो ऊपर से हम आए, पहाड़ों पर से आए, याद ही फौज अभी नीचे उतर रही है। ज़रा मुश्किल ही था रास्ता, बहुत ही मुश्किल है बच्चों के साथ, लेकिन मेरे बच्चे हैं तो नीचे उतर ही जाएंगे, मैं इन्होंने थले ले ही आना। यहाँ तक आए हैं और पानी में पैर गीले ना हो नामुमकिन। पानी इतना ठंडा नहीं है। Look at this water! Oh my goodness! आ जाओ उठे भैया जाके। चलो। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सी जीप सफारियां जो थी वो उस दिन टूर पर निकली थी। सबसे पहले हम यहाँ पर आए तो हमारे पीछे पीछे जितनी भी जीप सफारियाँ हमें पहले नज़र आ रही थी वो भी सारे का सारे ग्रुप के ग्रुप यहाँ पर पहुँच के और यहाँ नीचे आना शुरू हो गए। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही, ये जो कैमरे में नज़र आ रहा ना, ये शायद इसका 5% भी नहीं होगा कि ये इतनी खूबसूरत जगह है कि सारा दिन भी बैठे रहे ना बोर नहीं होंगे। और इस वक्त ये ऑफ पीक टाइम था, रश नहीं था, गर्मियों में और ज़्यादा इसने बिज़ी हो जाना है तो बुकिंग भी जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, मिलती नहीं है ज़ाहिर है।
पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। यूके में तो आप जरा सा पानी में खड़े हो जाएं तो बर्फ़ ही पैर बन जाते हैं, पानी ठंडा नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत पानी है। आपने वैसे फिरना ऐसी जगह पर जाकर आपने थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना, और साथ मैंने फिल्म भी बनानी है। मैंने ट्राइपॉड भी हाथ में पकड़ा हुआ है कि मैं रिकॉर्डिंग भी साथ साथ कर लूं, फिल्म भी जो है वो सही तरह से बन जाए। यहाँ क्योंकि पानी भी था, थोड़ी हवा भी चल रही थी, हम सर्दी के मारे हमने तो जो कार्डिगन है वो पहन लिए। और भी हाँ मैं फिल्म बना दी। और किसी बच्चे का इतना नहीं होता, वो खुद ही खेलते रहते हैं। फजर को हाथ पकड़ के मैंने यहाँ पानी तक लेकर आई हूँ, और अभी हम वापस ऊपर चढ़ रहे हैं। या नीचे जाने तक का रास्ता इतना सही नहीं है, फजर का हाथ कैसर ने पकड़ लिया। और देखे मैं कह रही हूँ मेरा हाथ पकड़े में, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, मैंने समझा कि हाथ मैंने अब पकड़ना है। मैं नीचे गिर गई इतनी पूरी तरह से, कैसे कह रहे, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए तो हाथ नहीं बढ़ाया था, तुम ऐसे ही नीचे गिर गई। और ये ऊपर से इसका व्यू है। अभी ये एक और जगह हमें लेकर गया है, और इसने कहा यहाँ पर हम 15-20 मिनट रुकेंगे, तो इसने बता दिया कि खुद ही नीचे चले जाएं। अच्छा ये जो जगह है यहाँ, अभी मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, ये पहाड़ों पर से पानी नीचे गिरता है और पता नहीं चलता पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी सी जगह थी। तकरीबन 10-15 मिनट ही यहाँ रुकना था। अभी इतना फिर के हमें भूख लग गई थी, तो उसको भी पता था कि अभी जो नेक्स्ट स्टॉप है वो खाने की ब्रेक होगी। ये सी फूड रेस्टोरेंट था, तो खाना जो हम खा सकते थे वही हमने ऑर्डर किया। लेकिन ये जो बाहर का मंजर है ये बड़ा ही खूबसूरत था। अभी हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए बैठे हैं, बगैर खाने के लिए आए हैं। रेस्टोरेंट है, सी फूड रेस्टोरेंट है, और खाना तो ज़ाहिर है यहाँ पर हलाल ही होगा, लेकिन जो वेजिटेरियन ऑप्शन है उन्हीं में से कुछ खा रहे हैं, जैसे जैकी पटेटो है या ऑमलेट है या फ्राइज है, तो यही चीज़ हम खा सकते हैं। ये यहाँ के ऑरेंज का जूस है, पैसे पूरे हो गए। ये हमने खाना खवाया है, चीज़ ऑमलेट है, जैकेट पोटैटो है, चीज है, और ऑमलेट बनाना है। हाँ कैच खाना, हालांकि ये सी फूड रेस्टोरेंट था तो हम जो खा सकते थे वही मंगवाया, और ये उस खाने से बहुत बेहतर था जो हम अल आमिर जाकर हमने खाना खाया। बहुत ही अच्छा खाना था इनका, हमें काफ़ी भूख भी लगी थी और खाना भी काफ़ी अच्छा था। खाना खाने के बाद हमने कहा यहाँ तक आए हैं तो नीचे जाने का रास्ता हो तो नीचे भी हो ही आते हैं, तो बुरहान तो नीचे पहुँच ही गया और बड़ा अच्छा रास्ता बना हुआ है, तो हम एक चक्कर नीचे भी लगा कर आए। ये ब्यूटीफुल व्यू जो है आपको मैं घर बैठे दिखाऊं, और मैं दिखाती हूँ आपको, बड़ा ही प्यारा व्यू है। बस यहाँ पर ये माल्टे हैं, 2 यूरो का एक पैकेट है, तो दुआ कहती मेरे बैग में पड़े हुए हैं स्कॉटी, 2 पाउंड पड़े हैं, वो डाल देते हैं इसमें। 2 यूरो के ये माल्टे हैं, ये देखें माल्टों के पैकेट बना के रखे हैं, क्योंकि माल्टे यहाँ के लोकल हैं। पहले कि मैं भूल जाऊँ, ये जीप है, जीप सफारी, जिसमें हमारा डे टूर करवाया हमको। ओ फजर वो बैठी है, फजर आ फजर ये बैठी है। नहीं इतने तक ही बस।
I don't know I love cats or not, but cat loves me. It came by itself, Asa. It came to me by itself. Can you see its claws? Look. Okay, one second. थोड़ी देर वो नजरा है मुझे ये देखिए देखिए की claws. और भी बहुत से लोग थे, उनके बच्चे भी थे जो बिल्लियों के पीछे भाग रहे थे. तो ये आराम से आई है यहाँ मेरे पास आके बैठ गई. तो सबने देखना शुरू कर दिया कि बिल्ली इसके पास आ गई. आराम से ये देखे, खुद ही बैठी है इसके यहाँ आके मेरे पास. एक हमारे ड्राइवर थे जिन्होंने आज हमें सारा दिन जीप सफारी में सैर करवाई है. What's your name? You don't remember my name. My name is Lamros. Lamros. Thank you so much, Lamros. For it was impossible for us to go all these beautiful place without you. Thank you very much. सुबह के हम निकले हुए हैं और अभी हम वापस आए हैं. और जब आप पैसे स्पेंड करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले कि हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो सही जगह पे हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं. जो बहुत ही अच्छा स्पेंड किया हमने. ये जीप सफारी थी, ये इंक्लूडेड नहीं थी जो ये हमारा ट्रिप था, लेकिन ये खुद ही बुक करवानी पड़ती है. तो हमने बुक करवाई थी और बहुत ही अच्छा था. जो जिन जगहों पर ये ड्राइवर हमें लेकर गया है जीप सफारी में, अकेले जाना नामुमकिन था क्योंकि बहुत ही डेंजरस ड्राइव थी जो हमारे बस में नहीं थी. यूके के ड्राइवर जो हैं टोटल ड्राइवर है, अब इसे एग्री करें या ना करें, क्योंकि यूके की ड्राइविंग जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऊंचे नीचे खड्डों वाले रास्तों पर ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल है. ये है हमारा ब्लॉक. हम सुबह के निकले, शाम को वापस आए हैं और अभी दोबारा से डिनर हंटिंग जो है वो स्टार्ट होनी है. वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी. आज का व्लॉग बस यहीं तक है. इसको एंजॉय करें और होप कि आपको अच्छा लगा हो. अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.